आज हम बात करेंगे वो फेमस एक्टर की जो एक फिल्म करने के 60 करोड़ लेते हैं और उसमें से भी 90% अपनी कमाई चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे दबंग स्टार सलमान खान की। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 इंदौर में हुआ था। सलमान खान का असली नाम अब्दुल रशीद सलीम है। इनके पिताजी बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। सलमान खान बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन वो स्विमिंग कंपटीशन में नंबर 1 आते थे पूरे स्कूल में। फिर देखते ही देखते सलमान खान 18 साल के हो गए और पढ़ाई से उनका पूरा मन हट गया था, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे। तब वो सेकेंड ईयर में थे एल्फिस्टन कॉलेज में। वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, इसलिए सलमान खान ने एक टीवी एडवर्टाइजमेंट साइन कर लिया कैंपा कोला करके 1983 में। वो उनकी पहली टीवी एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन ये टीवी एडवर्टाइजमेंट में उनका लीड रोल नहीं था, इसलिए कुछ अच्छा रिस्पांस तो उन्हें मिला नहीं इससे। फिर काम के सिलसिले में कितने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करने के बाद भी सलमान खान को काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट राइटर बनना था उनके डैड की तरह, ना कि एक्टर बनना था। देखते ही देखते 5 साल हो गए, लेकिन सलमान खान को कहां से भी काम नहीं मिल रहा था। इनकी खास बात ये थी कि अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में भी अपना नाम सलमान खान बताते थे, ना कि अपना नाम अब्दुल रशीद सलीम बताते थे, क्योंकि सलमान खान को पता था कि उनके पिताजी बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इनका नाम यूज करके सलमान खान को कहां पे भी आसानी से जॉब मिल जाता, लेकिन नहीं, ये अपने खुद के दम पे आगे आना चाहते थे, खुद के टैलेंट के वजह से आगे आना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कहां पे भी अपने डैड का नाम यूज नहीं किया। फिर एक दिन अचानक में एक फिल्म का ऑफर आया, बीबी हो तो ऐसी, 1988 में, पर एज अ सपोर्टिंग एक्टर। तब इन्होंने हाँ कर दिया, ये सोच कर कि कुछ नहीं तो कुछ तो सही। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि सलमान खान की वॉइस किसी और ने डब की थी। हालांकि ये फिल्म में उनका रोल कुछ ज्यादा खास नहीं था और ये फिल्म भी उतनी हिट नहीं हुई। तब एक दिन एक मशहूर डायरेक्टर सूरज भजहटिया ने ऑफर किया सलमान खान को उनके फिल्म में लीड रोल करने के लिए। तब सलमान खान ने सीधा मना कर दिया, ये बोलकर कि मुझे लगता है कि मैं आपके फिल्म में लीड रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने खुद की एक्टिंग पसंद नहीं आई जो कि मैंने बीवी हो तो ऐसी में किया था। आप वो फिल्म एक बार देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर क्या, फिर सूरज भजहटिया ने वो फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज कही कि मेरे फिल्म में अगर कोई एक्टर बन सकता है तो वो हो सिर्फ सलमान खान और कोई नहीं। फिर 1989 में ये मूवी जब रिलीज हुई तब इतनी हिट हुई और सलमान खान को बेस्ट मेल डिबेट फिल्मफेयर का अवार्ड भी मिला। और ये फिल्म को इंग्लिश में भी डब किया गया व्हेन लव कॉल्स, और ये करेबियन में सबसे ज्यादा हिट हुई। फिर भी सलमान खान नाखुश थे अपनी जिंदगी से, क्योंकि उनको तो स्क्रिप्ट राइटर बनना था अपने फादर की तरह, तो उन्होंने बागी अ रेबल फॉर लव मूवी की स्क्रिप्ट खुद लिखी और खुद ही लीड रोल किया मूवी में। लेकिन ये मूवी उतनी खास चल नहीं पाई सिनेमाघरों में। फिर सलमान खान ने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ एक्टिंग में ध्यान देंगे। तब से लेकर अब तक उनकी हर एक मूवी हिट होती गई। 1991 में से सनम बेवफा से लेकर पत्थर का फूल, लव, एक लड़का एक लड़की, हर एक मूवी इनकी सुपर हिट जा ही रही थी। फिर इन्होंने रोमांस मूवी छोड़कर कॉमेडी में अपना एक्टिंग आजमाया, जैसे कि अंदाज अपना अपना आमिर खान के साथ, वो मूवी सबके दिलों में आज भी छाई हुई है। फिर इन्होंने कितनी एक्शन फिल्म भी की है, जैसे कि करण अर्जुन, जुड़वा, इनकी हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो ही रही थी। उतने में उनकी बुरी किस्मत ने फिर कैसे ना कैसे इनका सब काम बिगाड़ ही दिया। 1998 में हम साथ साथ है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान के ऊपर एक इल्जाम आया था कि उन्होंने अपनी गाड़ी से एक हिरेन को उड़ा दिया, और मीडिया में ये न्यूज फैलने के कारण उनकी कितनी अच्छी अच्छी मूवी के कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से चले गए। लेकिन ये तो ठहरे सलमान खान, ये कभी हार नहीं मानते, तो इन्होंने एक पिक्चर रिलीज किया हेलो ब्रदर अपने भाई के साथ, और ये मूवी ने सब रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया सलमान खान के मूवीज का। इससे सलमान खान का कॉन्फिडेंस वापस आ गया और वो सिनेमा घरों में फिर से हिट होने लग गए, जैसे कि चल मेरे भाई, कहीं प्यार ना हो जाए, चोरी चोरी चुपके चुपके। सलमान खान की जिंदगी अच्छी ही चल रही थी, उतने में अब क्या कहूँ। वो कहते हैं ना कि जितने अच्छे दिन देखने मिलते हैं उतने ही बुरे दिन भी देखने मिलते हैं। 2002 में सलमान खान के ऊपर एक आरोप लगा था कि वो रस्ते पे सो हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था उसने, और हिट एंड रन का केस भी बन गया था उनपे। वो हादसे के बाद सलमान खान की फैन फॉलोइंग्स बहुत कम हो गई, और तब से एक साल तक उनकी हर एक फिल्म फ्लॉप जा रही थी, जैसे कि हम तुम्हारे साथ है सनम, ये है जलवा। फिर सलमान खान ने सोचा कि क्यों ना इमोशनल टाइप मूवी बनाया जाए, तब तेरे नाम लॉन्च हुई, और ये मूवी इतनी हिट हुई थी कि सलमान खान की हेयर स्टाइल आज भी कोई भूल नहीं पाया। फिर तो सलमान खान की डिमांड बढ़ गई और वो हिट पे हिट मूवी करते गए, जैसे कि मुझसे शादी करोगी, नो एंट्री, पार्टनर, वांटेड, बजरंगी भाईजान, सुल्तान। और आज के टाइम पे सलमान खान एक बिग बॉस का एपिसोड करने के लिए 10 करोड़ लेते हैं और एक फिल्म करने के लिए 60 करोड़, जिसमें से भी वो
10% खुद के लिए यूज करते हैं और बाकी का 90% बींग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल दे, जिससे कि बच्चे लोग को पढ़ाई करने में मदद मिलती है और कितने कैंसर पेशेंट्स का फ्री में इलाज करने में मदद भी मिल जाती है। तो यह है हमारे इंडिया के पॉपुलर रियल लाइफ स्टार सलमान खान की अब तक की कहानी। थैंक यू गाइस, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई नया बायोग्राफी चाहिए किसी इंसान के ऊपर या कोई कंपनी के ऊपर तो प्लीज कमेंट कर दीजिए।